अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बाकायदा से मुल्तान स्ट्रीट फूड टूर पे निकले हैं। आज हमारा पहला दिन है। बस आया फ्राइड फिश के ऊपर। ये मुल्तान में बहुत मशहूर है ये मछली, और आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ मछली कैसे बनती है। मेरा बाबा अल्लाह वसाए, हाजी अल्लाह वसाए की उनकी दुआएं और उनका ये तजर्बा था। ये हमारा तजर्बा कम से कम मेरे प्यारे वाले साहब से, फिर वाले साहब जब ये अल्लाह से प्यारे हो गए, फिर उनसे मैं इनके साथ छोटा साहब इनके साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी दुआएं हैं और मैं ये कारोबार चला रहा हूँ। ये मेरी शाख एक यहाँ है और मेरी शाख एक गुलकस्त है। मैंने दो शाखें बनाए हैं और मेरी कोई शाख नहीं है। एक दुकान है मेरी गुलकस्त, जहाँ मैंने बड़े बेटे को बिठाया हुआ। मेरा घर 20-25 साल यानी कि वाले साहब के साथ मैं करता रहा। ये कस्टमर की पार्सल है, जो ऊपर खा रहे हैं ना उनकी पार्सल ले। ये काली मिर्च में बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा इसका जायका होता है। तो ये दरिया की है लाल मिर्च में। यहाँ की मछली जितनी ज़्यादा मछली मशहूर है इनकी, और उससे कहीं ज़्यादा इनकी रायता और चटनी जो है बहुत मशहूर है। ये देखें, ये बड़ी स्पेशल रायता बनाते हैं इस मछली के लिए, और उसके अलावा इनकी इनके पास जो रोटी बनती है वो भी बहुत बहुत स्पेशल है। क्या बात है गाइस, मछली की बिल्कुल नरम मुलायम और बड़ी खुशबूदार। ये देखिए गाइस, और इसका टेक्सचर देख लें आप, वाह। रायता इसके ऊपर डालूंगा। ये नवाला बड़ा जबरदस्त बन गया। Yeah.
ये वाली मछली जब भी खाएंगे ना यकीनन आपको पसीने आएंगे। एक तो रीज़न ये है कि इसमें मिर्चें ज़्यादा हैं। आसिफ भाई के पसीने छूट गए लेकिन फिर भी ये छोटे का नाम नहीं लेते। लगता है कि ये किलो और मंगाएंगे। वैसा है गुजारिश है और मजीद खाने की आपकी डिमांड है उनकी नहीं है। दिल की बात जुबान पर आ जाती है। हाँ मजीद खाने की वैसे गुंजाइश बन सकती है। वाह मजा आया गाइस। ये जो मछली खाई जी ये बहुत अमेजिंग थी। पहली दफ़ा हमने इतनी मज़े की मछली खाई और ये इतनी नरम किस वजह से? ये हमारे जो है ना मिसालों में भी बहुत फ़र्क है और हमारे जो कारीगर है उनकी पकाई का वजह से ये नरम है। पकाई का बहुत फ़र्क है। जैसे कि दूसरी मार्केटों में बनाते हैं ये बहुत कड़क कर देता है, खाने के ऊपर कहीं सब जल जाता है। एक किलो मछली हमने मंगवाया था, एक किलो कितना था? डेढ़ किलो से थोड़ी थोड़ी कम मछली हमने ऑर्डर की थी, सारी की सारी खाई, कोई पीस भी नहीं बचा। इस तरह की मछली खाने का मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस मछली का हक अदा करूं अल्फाज के ज़रिए से। अगर आप यहां मुल्तान के आसपास रहते हो तो आप आइए, लाजमन आइए। और मुझे यकीन है कि अगर आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि बार बार आएं और यहां पे मछली खाएं। अभी हम निकलते हैं अगले स्पॉट की तरफ। बड़ी ज़बरदस्त और कमाल की मछली खाने के बाद अभी हम पहुंचे हैं यहाँ जूस पीने। बड़ा फ्रेश और ताज़ा किस्म का जूस और ठंडा ठंडा और गिर गया। नदीम भाई अपना हर फिलॉसफी आपको बताएंगे अभी। सर ना गिरा दो। कहना चाहते हैं आप बोला है। टेढ़ा नहीं करते हैं, टूट फिर टेढ़ा कर रहे हैं और गिर जाता है। गिर जाता है फिर देख जरा। यार कम है तो टेढ़ा करेंगे ना तब इस कम है। मैं छोड़ दो बात में। बहुत मज़ा आया और मौसम भी बहुत अच्छा है। रात का टाइम है तकरीबन, इस वक्त रात के 11 बजे हैं और मौसम भी बड़ा ठंडा है, तो ठंडे मौसम में अमेजिंग। क्या ख्याल है ना? अच्छा
जूस के साथ ही हमारा आज का व्लॉग खत्म हो गया और आज का पहला स्ट्रीट फूड टूर था यहाँ मुल्तान सिटी का। पहला दिन अच्छा रहा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी हम टूर्स करते रहेंगे स्ट्रीट फूड्स के और आपको अच्छे अच्छे और पॉपुलर डिशेस, पॉपुलर खाने यहाँ स्ट्रीट फूड के आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।